नमस्ते भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं संगीता जोशी बोल रही हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का 14 अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तमसे श्री गुरुवे नमो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए परम ज्ञान जो सब ज्ञानों से भी उत्तम है शो कहता हूँ। जिस ज्ञान को जानकर मेरे भक्त मुनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं, जिन्होंने मेरे ज्ञान का आश्रय लिया है, जिन्होंने मेरा यह ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, मेरी शरण में आए हैं, उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। अर्थात मेरा भक्त संसार की परलय के साथ लय नहीं होता। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और परलय के साथ लय नहीं होता, यही मेरा धर्म है। ऐसा ही तो मेरे भक्तों को जान। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। हे अर्जुन यह आपने ज्ञान की बढ़ाई है। और फल कहा, हे अर्जुन, अब वह ज्ञान भी सुन। मेरा नाम महत ब्रह्मा है। कैसे? यह सुन, जब संसार की परलय होती है तब मैं सारे संसार को अपने उदर में रख लेता हूँ, और जब संसार को उपजाने का समय आता है तब अपने उदर से प्रकट कर देता हूँ। इसी कारण से मेरा नाम महत ब्रह्मा अर्थात बड़ा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। हे कुंती नंदन, एक ही ईश्वर से अनेक भांति का संसार प्रकट हुआ है, फिर भी जितने देहधारी पहले हुए हैं या अब हैं या आगे उत्पन्न होंगे, उन्हें देख कोई किसी के जैसा नहीं है। सब अलग अलग हैं, उनकी आकृति और प्रकृति सब कुछ अलग है, उनके शब्द अलग अलग हैं। हे अर्जुन, वीर देने वाला पिता मैं हूँ। सास्तविक राजस तामस यह तीनों गुण जो देहों में व्याप्ते हैं, और यह अविनाशी जीवन जो सब देहों में व्याप्ता है, यह माया के साथ तीनों गुणों के साथ मिला हुआ है। अब इन तीनों गुणों का वितरांत सुन। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। पहले सात्विक का वितरांत कहता हूँ। निर्मल पवित्र इंद्रियों में प्रकाश, मन में निर्मल प्रकाश, अज्ञान रोग से रहित आरोगी, और हे अघन निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह जीव सात्विक गुण से बंधा हुआ है। अब राजस गुण का वितरांत सुन। कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता यह मेरा है, यह उसका है, अर्थात अपना तेरा, धन कमाने की तृष्णा जिसके मन में है, इस प्रकार का जीव जो रजोगुण से बंधा है, हे अर्जुन, यह ऋण संबंधी सब कुटुंब के लोग हैं। इसी प्रकार जैसे बेड़ी का पूर अर्थात जंजीर की एक कड़ी जैसे नाव में सब लोग इकट्ठा होते हैं, वैसे ही कुटुंब के लोग इनके साथ दृढ़ ममता मोह जीव ने लगा रखी है, यह राजस गुण है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अब तामस गुण का वितरांत सुन। तामस गुण को तो मोह और अज्ञान जान, असावधानी, गोविंद के नाम का विस्मरण अर्थात भूलना, आलसी होना, अथ निंद्रा, इस प्रकार जीव तामसी गुण में बंधा है। निंद्रा, आलस्य और असावधानी यह तीनों देहधारियों को मोहने वाले हैं और तामस से उपजे हैं। और हे भरत वंशियों मैं श्रेष्ठ अर्जुन राजस गुण कर्म को प्रकट करता हूँ, कर्म को प्रकट करता है, निष्काम नहीं रहने देता। यह तीनों गुण सदैव देह में बरतते हैं, कभी सात्विक, कभी राजस
कभी तामस, यह बढ़ते घटते भी रहते हैं। जब बढ़ते हैं तब इनका पता चल जाता है, सात्विक के बढ़ने से देह के सब द्वारों में प्रकाश होता है, निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश होता है, नासिका में निर्मल श्वास चलते हैं, देह निर्मल होकर आरोग्य प्राप्त होती है। यह सात्विक गुण की प्रबलता के लक्षण हैं। हे अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तो प्राणी लोभी हो जाता है, सुख आराम के द्रव्य बढ़ाने में जुट जाता है, वह हर समय कार्य में लगा रहता है, निष्काम नहीं बैठ सकता। जब ऐसा हो तो समझना चाहिए कि राजस गुण बढ़ रहा है, तब तामस गुण बढ़ता है तो पूरी देह के द्वारा में प्रकाश धीमा पड़ जाता है, मनुष्य आलसी हो जाता है और समय असमय निंद्रा भी सताती है। तब समझना चाहिए कि तामस गुण बढ़ रहा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब और सुन, जब तामस गुण के बढ़ने पर देह का त्याग होता है तो प्राणी मूढ़ योनि जो पशु है, चौपाए अज्ञानी तिनको प्राप्त होता है। अब हे अर्जुन, मैं तीनों गुणों के फल कहता हूँ। सात्विक गुण का फल निर्मल, राजस गुण का फल दुख और तामस गुण का फल अज्ञान है। सात्विक गुण से ज्ञान उपजता है, रजोगुण से भय तथा तमोगुण से असावधानी, आलस्य, मोह और अज्ञान उपजते हैं। जिन लोगों में सात्विक प्रकृति है वे देह को त्याग कर ऊपर के लोक को पाते हैं। जिनकी राजसी प्रकृति है वे देह को त्याग कर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और जिनकी तामसी प्रकृति है वे देह त्याग कर पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में जा प्राप्त होते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। हे अर्जुन, मैं इन तीनों गुणों का कौतिक देखने वाला हूँ, इन गुणों से अतीत हूँ। जो मुझे ऐसा जानते हैं वे मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, और मैं इन तीनों गुणों से अतीत हूँ। जो प्राणी मुझे इस प्रकार जानता है वह जन्म मरण और बुढ़ापे के दुखों को काटकर मुक्त होता है। इस ब्रह्म ज्ञान के अमृत पान करने से संसार में जन्म मरण नहीं पाता। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। यह वचन सुनकर अर्जुन ने दीन दयालु श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान कृपा निधान, यह जीव जो तीनों गुणों में बंधा है इसके छूटने की विधि बताइए और उसके लक्षण भी बताइए। जो देह के साथ होने पर भी तीनों गुणों से अतीत है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। सोने और माटी को जो भी समझे बराबर एक सा, निंदा से और प्रशंसा से जो रहता है जुदा, जो न डमाडोल होकर हर हाल में रहता स्थिर, मान का अपमान का जिस पर न हो बिल्कुल असर, पूजता हो मुझको भक्ति योग से और प्रेम से, गुणों में ताकत न हो मुक्ति की पदवी मिले। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो देह साथ होते हुए भी तीनों गुणों से अतीत है उसके लक्षण सुन। जो गुण देह में उपजते और बरतते हैं उन कर्मों को कहा नहीं जाता, कल्पना न करे। जो यह गुण बुरा है और उस गुण के दूर होने की वांछा न करे। जो यह दूर हो जावे ऐसा गुणों से उदास रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे विष्णु की माया गुणों को उपजाती है, वैसे ही देहों में स्वभाव मिले हुए गुण बरतते हैं। मैं आत्मरूप इससे न्यारा हूँ, इस प्रकार गुणों से प्रेरित होकर चलो, फिर कैसा हूँ। दुख सुख में एक समान, स्तुति निंदा में एक जैसा, जो कंचन माटी और
पाषाण एक समान जाने, जो कंचन माटी और पाषाण एक समान जाने, आदर अनादर करने से दुखी दुखी और सुखी न होवे, शत्रु मित्र को एक जैसा समझे, किसी कार्य का आरंभ न करे। हे अर्जुन, तूने तीनों गुणों से अतीत का प्रश्न किया है, यह उनके लक्षण कहे हैं। अब जिस प्रकार यह तीनों गुणों से अतीत होवे, यह सुन। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। हे अर्जुन, मुझे विश्व भर प्रभु जानकर केवल केवल मेरे में श्रुति लगाएं और सब अवतारों से मन उठाकर शीतल स्वभाव को मेरी भक्ति में मन देवे और कहे, हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम करतार सबके करता हो, तुम करतार सबके करता हो, मैं दीन अनाथ हूँ, कृतज्ञ हूँ, तेरे गुण किए को मैं नहीं जानता, तेरे बिना और कोई प्रभु नहीं है, तेरे अधीन हूँ, हर कर्म यंत्र में पड़े भरमते हैं और तो इस यंत्र का सूत्रधार है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हे देव, मैं तेरी शरण हूँ, हे देव, मैं तेरी शरण में हूँ, हम कर्म यंत्र में पड़े भ्रमते हैं और तू इस यंत्र का सूत्रधार है। हे देव, मैं तेरी शरण में हूँ, तू सबका आश्रय है। हे अर्जुन, जो इस प्रकार मेरा दास होवे और केवल मेरे साथ प्रीति रखकर मेरी ही शरण आवे, वह इन गुणों से अतीत होता है और देह के साथ होते हुए भी मुक्ति पाता है और जीवन से मुक्त हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। यह मार्ग तीन गुणों से अतीत होने का है। अब मैं कैसा हूँ उस आत्मा का प्रताप सुन। इतनी बातों का नाम ब्रह्म है और मुक्ति का नाम भी ब्रह्म है। मुक्ति धाम वैकुंठ का नाम भी ब्रह्म है। इन सब ब्रह्मों का मैं ही ठाकुर हूँ, इन सब की शोभा मैं ही हूँ। मैं कैसा ब्रह्मा हूँ, अविनाशी हूँ, न मरता हूँ न जन्मता हूँ, पुरातन सबसे पहले धर्म रूप इन तीनों लोकों में बसने वाला हूँ और इनसे अतीत भी हूँ। गुण ग्राही सुख का समुद्र परमानंद भगवान सबसे प्यारा हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना।